अभिनेता सोनू सूद को गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, और जाना भी क्यों ना जाए, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने गरीबों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। जितनी मदद वो कर सकते थे उन्होंने की, जिसके बाद से वो चर्चाओं में आ गए। लेकिन एक बार फिर से सोनू सूद की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पूरे मामले में हुआ क्या कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर हर राज्य की सरकार अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए एक फरमान कांवड़ यात्रा को देखते हुए जारी किया गया। उसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा के जो रूट होंगे, उस दौरान जो भी फल की दुकानें होंगी, जो भी रेस्टोरेंट्स होंगे, खाने की दुकानें होंगी, उसके जो मालिक होंगे वो अपनी जो जानकारी होंगी वो बाहर अपने रेस्टोरेंट के अपने दुकान के एक प्लेट पर लगा कर रखेंगे। यानी कि मालिक का नाम उसमें होना चाहिए, रेस्टोरेंट में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ऐसी जानकारियां रेस्टोरेंट के बाहर लगी होनी चाहिए, जिससे जो यात्री होंगे, कांवड़ यात्री होंगे, उनको सुविधा होगी ये जानने में कि वो वेज रेस्टोरेंट है या फिर नॉन वेज रेस्टोरेंट है। दरअसल कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार का ये फरमान जारी हुआ है। ऐसे में इस फरमान की सराहना भी की जा रही है, तो वहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है। इसी को देखते हुए सोनू सूद की ओर से एक ट्वीट सामने आया। सोनू सूद ने दरअसल लिखा कि कोई भी दुकानदार अपनी नेम प्लेट के आगे एक ही नाम लिखेगा और वो है मानवता। ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनू सूद की ओर से किया गया। अब सोनू सूद ने जब ये ट्वीट किया तो इस पर रिप्लाई करते हुए कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया। मंडी से बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने लिखा कि इस बात से सहमत हूँ, हलाल की जगह मानवता शब्द होना चाहिए। ये अग्री करते हुए कंगना रनौत ने एक्स पर ट्वीट किया और सोनू सूद के ट्वीट का रिप्लाई किया। अभी तक सभी चीज़ें सामान्य चल रही थी, लेकिन जब कंगना रनौत का ये पोस्ट सामने आया, सोनू सूद का ये पोस्ट सामने आया, तो मामला यहाँ रुका नहीं। मामले में एक और शख्स की एंट्री होती है सोशल मीडिया पर, वो एक और वीडियो जारी करता है, और उस वीडियो में देखा जाता है कि एक लड़का अपने ग्राहक के लिए रोटी बनाता है। रोटी बनाने से पहले, उसको पकाने से पहले, वो उस रोटी पर थूक देता है, और इसी का वीडियो एक यूज़र ने शेयर किया होता है। वो लिखता है कि थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल कर देनी चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे। ये ट्वीट उस शख्स की ओर से किया गया। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद सोनू सूद ने इस वीडियो पर रिप्लाई किया और उन्होंने लिख दिया, उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया वो पोस्ट शायद उन्होंने ऐसा लिख दिया जिस पर चर्चाएं होने लगी, जिस पर बहस छिड़ गई और सोनू सूद का ही विरोध होने लग गया। सोनू सूद की ओर से दरअसल लिखा गया कि हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए, जय श्री राम। ये ट्वीट सोनू सूद की ओर से किया गया। जब ये ट्वीट सोनू सूद का सामने आया तो इस पर कहीं ना कहीं सोनू सूद खुद ही घिरते हुए नजर आए, और इसी ट्वीट पर कंगना रनौत से जब बातचीत की गई तो कंगना रनौत ने भी इस पर बयान देते हुए, कंगना रनौत की ओर से भी एक ट्वीट सामने आ गया, और जिसमें उन्होंने लिखा कि अब आप जानते हैं कि सोनू सूद जी ने भगवान और धर्म के बारे में अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों पर आधारित रामायण का निर्देशन वो करेंगे। वाह, क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। ये ट्वीट कंगना रनौत की ओर से सामने आया। यानी कि अब सोनू सूद की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर एक तरह से बहस छिड़ गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जो फरमान जारी किया गया है उसको लेकर बहस भी छिड़ी हुई है, उसकी सराहना भी की जा रही है। लेकिन इसी जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार का लिया गया है, उनकी ओर से लिया गया है, उस पर जब सोनू सूद ने रिएक्ट किया तो सोनू सूद कहीं ना कहीं अब अपने ही बयानों में घिरते हुए नजर आए, जिस पर तरह तरह के रिएक्शंस लोगों के भी सामने आ रहे हैं, और एक तरह से कंगना रनौत की ओर से भी उनको घेरा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? जो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए फैसला लिया गया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, और सोनू सूद की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर भी आपका क्या कुछ कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें।